बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 8 कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आज हम यूनिट 3 स्प्रेडशीट में टॉपिक डिस्कस करेंगे, अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ डेटा। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अलाइनमेंट रेफर टू द पोजिशन where data is placed within the boundary of a cell. Alignment से क्या मुराद है? Alignments उसे कहते हैं कि जो सेल होता है स्प्रेडशीट में, जो सेल है कि हमारा डाटा वहाँ पे सेल में किस पोजीशन पे वो हमें दिखाई दे रहा है। सेल की एक बाउंड्री लाइन होती है, जिस तरह ये, अगर इसको हम एज सेल ले लें जिसमें कैलिब्री लिखा हुआ है, इसकी एक बाउंड्री लाइन है। तो अभी ये डेटा है, कैलिब्री का जो फॉन्ट इसमें लिखा है, ये डेटा है हमारा। अलाइनमेंट से मुराद हम ये लेंगे कि ये जो डेटा हमें सेल में किस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल अप्लाइज द एप्रोप्रिएट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टू ईच डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, नंबर आर ऑलवेज राइट अलाइंड एंड टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड। कहते हैं कि एक्सेल जो है वो डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देते हैं। अगर आपका ये नंबर है यानी 1, 2, 3 है तो वो राइट अलाइंड होगा, यानी ये जो 11 है ये सेल के राइट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देगा। अगर ये टेक्स्ट है जिस तरह ये कैलिब्री है तो ये लेफ्ट साइड पे अलाइंड होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा अलाइनमेंट का पोर्शन है यानी ये रिबन है, इसमें इन टूल्स का क्या क्या नाम है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी ये सबसे पहले वाला जो 3 लकीरी हैं, इसको टॉप अलाइन कहते हैं, यानी आपका डेटा सबसे ऊपर दिखाई देगा। फिर जिस तरह इसकी ये एक सेल, अगर आप इसको कंसीडर करें, यानी डेटा आप इस पोजीशन पे टॉप पे आपको दिखाई देगा। जो मिडल अलाइन है डेटा आपको दरमियान में नज़र आएगा, और बॉटम अलाइन सेल के नीचे लकीर के साथ, बाउंड्री के साथ आपको दिखाई देगा। ये जो नीचे 3 या 4 लकीरें आपको नज़र आ रहे हैं, ये अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, यानी डेटा सेल के सेल में आपको लेफ्ट तौर पे नज़र आना चाहिए या राइट तौर पे आपको, आप कहते हैं कि मुझे दिखाई दे, या सेंटर में। इसमें ये जो नीचे पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस तरह कहते हैं, वर्टिकल इस तरह कहते हैं। अगर डेटा को आप ऊपर टॉप पे, मिडल में और बॉटम में दिखाना चाहते हैं यानी ऐसे, तो आप इस पोर्शन को यूज़ करें। अगर डेटा आप इस पोर्शन में, जिस तरह मैंने ये पिल्सन रख दिया है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, ये मिडल है, ये लेफ्ट है, तो आप डेटा को नीचे वाले पोर्शन पे ये क्लिक करेंगे। ये सबसे इसमें बड़ा वाजिब फ़र्क है। अमूमन हमारे स्टूडेंट को या कोई भी ऑपरेटर हो वो काफ़ी एक्सपर्ट होता है, लेकिन इसको जब क्लिक करता है तो उसको पता चल जाता है कि डेटा मेरा यहाँ से यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसको ये अमूमन शायद ही पता ना हो कि ये वर्टिकल है। अगर डेटा आपने वर्टिकल सेल में आपने प्लेस करना है कि मेडल में मैंने प्लेस करना है, तो आप फिर इस वाले पोर्शन पे, बटन पे, टूल पे क्लिक करें ऊपर वाले पे। अगर हॉरिजॉन्टल आपने डील करना है तो आप इस पोर्शन वाले पे, बाकी टॉप, मेडल, बॉटम, इसमें भी लेफ्ट, सेंटर, राइट, यानी तीनों तकरीबन एक जैसी हैं। अच्छा, अभी इसके साथ वहाँ पर एक राइट साइड पर एक और टूल नज़र आ रहा है जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कि डेटा, अभी ये जो अलाइनमेंट लफ्ज़ बोल्ड आपको नज़र आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी इसकी डिग्री चेंज करवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ का ये अभी ऐसा है ना, इसकी डिग्री आप थोड़ी सी ऐसे कि मुझे सेल में इस किस्म का टेक्स्ट की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो, या टेक्स्ट वर्टिकल में इस तरह नज़र आ जाए, या टेक्स्ट थोड़ा सा और भी डिग्री इसकी ज़्यादा करे, 170 भी आ जाए, तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। यानी आप अपने टेक्स्ट को सेल में किस डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। तो वो जो डेटा है उसको जो आप डायरेक्शन देंगे तो इस, यहाँ इस टूल से आप देंगे। अच्छा, इसके साथ नीचे एक दो टूल हैं, एक डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इनका मतलब ये होता है कि अभी ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ
कि ये हमारा पूरा एक पेज है। अभी ये यहाँ बिल्कुल ये शुरू से ये टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। इंडेंट कैसे कहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये वाला पोर्शन, यानी मेरे जो एक उंगली है ये वाली, यानी ये वाला पोर्शन खाली रहे और मेरा टेक्स्ट ये ग्रुप वाले से स्टार्ट हो। यानी ये जो GNMT अलाइनमेंट, यानी जी GMT का ये पोर्शन खाली हो और ग्रुप से मेरा, यानी यहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हो, यहाँ से शुरू हो जाए फिर यहाँ से शुरू हो जाए, ये वाला पोर्शन खाली हो, तो इसको इंडेंट कहते हैं। यानी स्पेस जहाँ से, अभी जिस तरह ये पूरा पेज है, पेज के यहाँ से अगर मैं इसको निकाल दूँ जहाँ पे, यानी यहाँ से बिल्कुल ये देखो इसके अंदर से गया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अलाइनमेंट है ये लफ्ज़ यहाँ से स्टार्ट हो। ये जो 3.3 है ये, यानी फिगर जो है ये फिगर बिल्कुल नीचे नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं कहता हूँ ये फिगर 3.3 की, यानी यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये इस पोर्शन को हम इंडेंट कहेंगे। तो ये इसको डिक्रीज़ इंडेंट, अगर आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये डेटा राइट साइड पे शफल होगा, इस साइड पे। अगर आप इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये इसी तरह अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से आप इसके जो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसका समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरा इसके साथ एक टूल है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि ये एक सेल है, फर्स्ट क्या ये एक सेल है, इसमें इस सेल में से आपने लिखाई शुरू कर दी है तो वो एक सेल से ज़्यादा हो गई है, यानी सेल से वो बाहर जा रही है। एक्सेल में सेल जो है उससे वो लिखाई आपकी ज़्यादा, जब आप उसको पहले सेलेक्ट करेंगे फिर रैप टेस्ट करेंगे तो वो लिखाई जो है जो सेल से बाहर नज़र आती है वो उस सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अगर पहले वो सिंगल लाइन में है तो अभी वो दो लाइन में, तीन लाइन में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को आपने सेल के अंदर एडजस्ट करना है। अच्छा, इसके साथ नीचे मर्ज एंड सेंटर है, यानी अगर आपने दो सेल को मर्ज करना है, आपस में मिलाना है, तीन को मर्ज करना है, तो वो यहाँ से करेंगे। अभी इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। ये छोटे छोटे टूल हैं जो हमें पता होना चाहिए, जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हमें पूरा मेन्यू हम सर्च आउट कर लेते हैं कि कहाँ पर ये मेरा डेटा इस एंगल में, अगर मैं मुझे कोई कहे कि इस एंगल में मेरी ओरिएंटेशन डाटा नज़र आना चाहिए तो फिर हमें पता हो कम से कम कि मैंने ये कहाँ से करना है। तो अगर इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फिर इसका हमारे दिमाग में वो बात याद होगी कि मैंने प्रैक्टिस की है और ये डाटा फ्लां टूल से चेंज होगा। आइए अभी इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, तो हम एक्सेल शीट पे आ गए हैं, यह हमारा पूरा एक्सेल शीट है। आज हम इसमें अलाइनमेंट का पोर्शन का प्रैक्टिकल करेंगे। ये दो सेल मैंने ऑलरेडी इसमें एक उम्र लिख दिया, इसमें एक फाइल लिख दिया। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ दोनों को। हमने पढ़ा था कि अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे नज़र आएगा, तो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंटर करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। अभी इसमें हम इंटर करते हैं तो ये लेफ़्ट से शुरू हो रहा है। अभी हम जब 5 को इंटर करेंगे या हम इस सेल में इंटर कर देते हैं 5, ये देखो ये राइट साइड पे आ गया, ये राइट साइड पे आ गया। इसकी मैं आपको फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, ये देख अभी ये राइट साइड पे आ गया। अभी इसका मैं अगर आपको यहाँ पे मैं उम्र लिख देता हूँ, इसकी मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ ताकि ये देखो ये सेल के लेफ़्ट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अभी हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, इस पे अलाइनमेंट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वो जो पोर्शन है, यानी इसको वर्टिकल डाटा, यानी आपने ऐसे ऐसे डाटा आपने करना है तो ये परफॉर्म करेगा। अभी मैं इसको सेंटर में करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी अलाइनमेंट यही रहेगी, लेकिन यानी ये इस पोर्शन पे होगा लेकिन वर्टिकल ऊपर मूव करेगा। देखो उम्र ऊपर आ गया, सेंटर में आ गया लेकिन ऊपर आ गया इसी डायरेक्शन में। फिर टॉप पर करूँगा तो ये इसी डायरेक्शन में वर्टिकल आ गया। अभी मैं ये हॉरिजॉन्टल है, इसको ये लेफ्ट साइड पे है, इसको मैं सेंटर में करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। इसको मैं राइट करता हूँ, ये राइट पे आ गया। तो ये जो है ये 6 टूल जो नज़र आपको आ रहे हैं, इसको आप
अब ये देखो मैंने एक सेंटर में कर दिया, अभी इसको मैं इस बॉक्स के इस सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा वर्टिकली, ये नीचे आ जाएगा वर्टिकली। तो ये इसे जाहिर हो गया कि अगर हम डेटा को एक सेल में दाएं बाएं ऊपर नीचे मिडल तक अगर मूव कराना चाहते हैं तो हम अलाइनमेंट में ये जो चे टूल हैं इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं, ये मैंने इस पे कर्सर रख दिया, इसका है ओरिएंटेशन कि आपने डायगोनली यानी वर्टिकली इसको टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है कि आपने इसको थोड़ा सा, अभी ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको हम डायरेक्शन देंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक एरो निशान है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक मेन्यू खुल जाएगा। अभी इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया है, अभी देखो ये डिग्री है, इसकी मैं चेंज करूँगा, मैंने थोड़ी सी इसको चेंज कर दिया, तो ये देखो चेंज आ गया आपको। मैं ज़रा दोबारा इसको कर लेता हूँ, ज़्यादा कर लेता हूँ। ये देखो ये डायरेक्शन हमें बताता है, ये वाला, कि आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन में कितना डिग्री ऊपर जा रहा है। अभी ये ऐसा हो गया, तो ये आपको टेक्स्ट आपको दिखाई देगा कि मेरा टेक्स्ट किस डिग्री पे मुझे नज़र आना चाहिए या मुझे दिखाई। इसमें हॉरिजॉन्टल है, इसको अलाइनमेंट को अगर हम ये कह दें कि ये देखो ये सेंटर सेंटर दोनों सेंटर सेंटर सेलेक्टेड है, तो ये हमारा जो डेटा है ये देखो सेंटर में ही नज़र आ रहा है। अगर इसको हम राइट कर दें तो ये डेटा यहाँ राइट साइड पे आ गया, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में ही सेलेक्ट होता है। अच्छा, अभी इसके साथ हमें ये भी पता चल गया कि ओरिएंटेशन कैसी टेक्स्ट हमें किस डिग्री पे नज़र आएगा सेल के अंदर, तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसमें जो नेक्स्ट रैप टेक्स्ट का पढ़ा था कि रैप टेक्स्ट का प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करेंगे कि रैप टेक्स्ट, अभी ये एक सेल है, देखो इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ, ये जी 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 मैंने एंटर किया, देखो पूरा जी, ये हालांकि ये इस सेल में आना चाहिए लेकिन ये पी वाले सेल क्यू वाले सेल में, यानी ये पूरा यहाँ एक सेल से मेरा डाटा एक्सीड हो गया, यहाँ नज़र आ रहा है। अभी मैंने क्या करना है कि अगर मैं इसको एक सेल पे एडजस्ट करूँगा तो सिंपल मैं ये रैप टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा और इसको ये प्रेस करूँगा तो ये देखो मेरा डाटा इस सेल में एडजस्ट हो गया, लेकिन कितने लाइन में आ गया, 1 2 3 4 5। तो जितने भी आप लिखते जाएं, लेकिन आप इसका फिक्र ना करें कि मेरा डाटा तो सेल से बाहर जा रहा है। तो जो ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे और आपको रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये डाटा आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इसमें। इसके साथ नीचे एक टूल है मर्ज एंड सेंटर, इसके साथ ये मज़ीद मर्ज इकरास मर्ज सेल अनमर्ज सेल। तो ये अमूमन इस तरह होता है कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये तीनों सेल को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो इसको करूँगा तो ये देखो एक पूरा एक सेल बन गया। तो अगर इसके साथ मैं दोबारा अनमर्ज करना चाहता हूँ तो ये दोबारा अपनी असल हालत पे आ गए। फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें डेटा एंटर कर लेता हूँ, अभी ये तीनों पे मैं कहता हूँ कि ये तीन सेल पे मुश्तमिल है मेरा डाटा आ जाए और सेंटर में आ जाए, तो ये इधर इधर आ गया। तो इसका इसी तरह आप प्रैक्टिकल करें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और एक टूल है ओरिएंटेशन, जो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है कि जिस तरह हमने इस यहाँ किया, इसको यहाँ से हम एंगल क्लॉकवाइज चेंज कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्ट है, अगर डिग्री के साथ वर्टिकल नज़र आएगा, रोटेट नज़र आएगा, देखो उमर आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप वन बाई वन इस टूल को, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, जब आप इसको फॉर्मेट सेल करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, ये इस यहाँ से इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर बॉटम जस्टिफाइड ये पूरी इसकी ऑप्शन है, श्रिंक टू फिट मर्ज सेल, यहाँ से आप इसको अगर तीन चार सेल हैं तो वो डेटा को श्रिंक कर सके, श्रिंक का मतलब है कि आपस में इकट्ठा करना ताकि वो सेल के अंदर फिट हो जाए, जस्टिफाई हो जाए, और यहाँ से भी मर्ज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये पूरा जो आज हमने डिस्कस किया है ये इसका प्रैक्टिकल है,
ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको इसका पता नहीं है तो फिर ये आप मुश्किल में पन सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नंबर होते हैं वो जब आप राइट साइड पे अलाइन होते हैं, जिस देखें अभी मैंने इसको कहा तो ये अलाइन पे या राइट साइड पे आ गया, और अगर मैं इसको डेटा आप इंटर करूं, मैंने एच इंटर किया तो वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो गया। इसको मैं आपको विजिबल कर दूँ, थोड़ा सा इसका बड़ा कर दूँ, ये देखो नज़र बड़ा ना आ रहा है, ये देख आप इस सेल की यहाँ पे आ रहा है। तो ये इसका प्रैक्टिकल है, मुझे उम्मीद है कि आप जब तक आप ख़ुद इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको शायद ही समझ आ जाए, लेकिन जब आप कभी भी प्रैक्टिकली काम करोगे तो फिर आपको मुश्किल आ जाएगी। लिहाजा बच्चों इसका प्रैक्टिकल करो ताकि आपका हाथ इस पर चले। ये बहुत आसान है और कॉमन यूज़ की टूल्स हैं, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप एक्सेल में तैयार करेंगे तो ये टूल आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी। व्यूअर, अगर आपको ये प्रैक्टिकल और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।